ये मैंने अभी अभी देख सकते हैं, कोई ओवर नहीं है इसको, और मैं रोशनी में दिखा रही हूँ। ये जो मैंने दाल कम थी, कम यूज करती हूँ मैं, देखिए हम इसको खाने जा रही हूँ। मुझे तो ये बहुत ही टेस्टी लगी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मैं आज बड़ई बनाने जा रही हूँ, दाल की बड़ई। तो मैंने दाल फ्राई करने पहले से रख दी थी, मेरा स्किप हो गया, मेरी दाल फ्राई हो गई है। एक घंटा गीली की हुई दाल थी और 5-10 मिनट सौटे करी रिफाइंड ऑयल में, और इसमें 5 चम्मच अब मैंने बेसन डाल दिया। बेसन 5 चम्मच है और 2 चम्मच दाल है। अब इसको सिर्फ भूनना नहीं है, बेसन को गरम करना है बस। गरम करके चेक कर लेनी है उंगली से कि गरम हो गया। उसके बाद उसमें मसाले ऐड करने हैं, हल्दी है, धनिया है और हींग है और नमक, और ये जो पराठे का पेस्ट हम बनाते हैं मसाला, जिसमें सौंफ होता है, जीरा होता है, पिसा खड़ा धनिया होता है, और बस। और इसमें हींग है बस, थोड़ी सी इसमें भी हींग है, 2 चम्मच ये डलेगा। हो गया, जितना आपको ठीक लगे उतना। गैस बंद कर दी, मैंने इसको भूजा नहीं है, बस गरम किया है हल्का सा। अभी ये गरम है, इसको अलग बर्तन में निकाल लूँगी। और ये लास्ट में काली मिर्च है और खड़े धनिए हैं थोड़े कुटे हुए, ये घर का गरम मसाला, एक चुटकी दाल मसाला, क्योंकि मैं खटियाई यूज़ नहीं करती इसलिए इसको करती हूँ। नमक स्वाद अनुसार, और मेरी वीडियो लेट अपलोड हो रही है, आज संडे था इसलिए। मम्मी चुप चुप। हाँ मम्मी, क्या लग गई? चलो कोई नमस्ते बोलो, नम नमस्ते बोलो बेटू। चलो अब जाओ, तुम सो जाओ, ठीक है। ये मैंने सूजी निकाली, सूजी के अंदर नमक ऐड किया और इसमें थोड़ी सी रिफाइंड और ऐड करूँगी। और हाँ, अगर इतनी सूजी है तो इसमें 4 चम्मच आटे की आप ऐड कर लीजिए, मैंने नहीं करी क्योंकि मुझे ज़्यादा करारी चाहिए थी। आटे को भी ऐड कर सकते हैं इसमें सूजी के साथ थोड़ी सी। ये 100-200 ग्राम सूजी है, अंदाजा तो नहीं है पर 200 ग्राम तो है। इसमें 4 चम्मच आटे के डाल दीजिए, पर मैंने नहीं डाले, आप डाल दीजिए, टेस्टी लगती है उसको भी डालकर। अगली बार ऐसी बनाऊँगी आटे की। इसको मैंने मैश कर लिया रिफाइंड डालकर, इसको अलग बर्तन में निकाल लूँगी, इसको ढीला गूंद सकूँ ढीला। उसके लिए गुनगुना पानी करने रख दिया है, इसका डो बनाऊँगी ढीला, उस डो को भी 1 घंटा रेस्ट भी दूँगी, रेस्ट दूँगी उस डो को, सॉरी। मैंने कुछ ऐड नहीं किया इसमें, नमक रिफाइंड गरम पानी, हीरा मिक्सर से इसको मैश कर लूँगी, मैशर नहीं है ये, सॉरी। पहले रख दो। चलिए हो गया ये भी, इसको ढीला लगाऊंगी पर मैं, क्योंकि बाद में सूजी तो पानी पीती है सबको पता है, पर गर्म पानी से। और इसमें आप 4 चम्मच आटा ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, अगर नहीं भी करना तो भी कोई नहीं, अच्छी लगती है ऐसे भी। मैंने सिर्फ ये अपने लिए ही बनाई थी और अपने बेबी के लिए, इसलिए आटा ऐड नहीं की। ये करके रख दिया मैंने, देखो अभी ऐसा है अभी, इसको और देखना बाद में इसका
चिन्ह हो जाएगा पूरा। ये गरम है अभी, मैंने पानी भी गरम है, मैं इसको चम्मच से मैश करूंगी, मेरे हाथ जल गए। बहुत गर्म है ये, सो ठंडा होने के बाद ही इसको मैश करें। इसका डो बनाएं, ढीला डो, टाइट नहीं, मैं इसको भी ढीला ही रखूँगी, ज़्यादा नहीं टाइट। अगर इसको ढीला भी रखेंगे तब भी टाइट ही हो जाएगा, इसलिए ढीला रखें इसे भी। इसमें बेसन है, दाल है, ये डो है, ये फीलिंग है जो बड़ी के अंदर भरी भरी जाएगी। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसे हाथ में चिपके ना, बेसन तो चिपकता है ना हाथ पे बहुत, इसलिए मैंने लगाया हुआ है, ये ढीला है वैसे बहुत। चलिए यहाँ सब्जी की तैयारी करते हैं, अब इसको रखते हैं साइड में। देखिए आप कैसा है ये, अभी अभी टूट रहा है, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो उससे आपका तो पता नहीं पर मेरा ज़रूर भला है, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाना ना भूलें। एक चम्मच घी डाला है मैंने, उसके ऊपर से रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड में सब्जी ज़्यादा टेस्टी लगती है मुझे तो। जीरा हींग बस, ये अदरक है कद्दूकस किया हुआ और चार पांच मिर्च है हरी। ये सब्जी में मैं लहसुन बिल्कुल ऐड नहीं करती ना, प्याज, टमाटर कट, एक बड़ा टमाटर इसको कट किया हुआ, मैंने फ्लेम ऑन ऑफ कर दी सॉरी, जिसे झले ना मेरा। अब यहाँ हम आलूओं को मैश कर लेंगे, हाँ नमक डालेंगे पहले क्योंकि ये टमाटर घुल जाए जल्दी, थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे, टमाटर जल्दी घुले इसलिए। सूखा धनिया, क्योंकि फ्रेश धनिया है नहीं, मैं मार्केट जा नहीं रही, जिस दिन जाऊंगी उस दिन ज़रूर मैं बाहर ब्लॉग बनाकर लेके आऊँगी मार्केट की। थोड़ा पानी गया इसमें, अब ये घर की कुटी हुई मिर्च, चिली फ्लेक्स कह लो या कुटी हुई मिर्च, दाल मसाला, ये सब में चलता है मसाला, दाल हो आलू हो सब में, गोभी आलू में भी। लला क्या है, तू रख दे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर बस, इसको मैश कर दूँ मैं टमाटर को आलूओं को। फोन ये आया है आलू लेने, ये आलू मैश कर रही हूँ। लला गिर जाएगी, मान जा। आगे बढ़ते हैं पानी ऐड करके, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, पानी डाल दूंगी मैं इसको, इसको बॉयल आने दूंगी बस। और ये काली मिर्च है पिसी हुई घर की, और इसमें साबुत धनिया है थोड़ा कुटा हुआ बस, इसका देखो इसका थोड़ा लुक और चेंज हो गया, हो गई थोड़ी थिकनेस हो गई है इसमें डो में, रवा डो। इसको और साइड रखते हैं, फिर
अगर आपका ये टाइट हो तो आप इसको पानी डाल के और चम्मच से मैश कर सकते हैं इस फीलिंग को इसी टाइम पर, क्योंकि ये और टाइट हो जाता है। कढ़ाई रख दी, चलिए तेल डालते हैं, ऑयल, रिफाइंड ऑयल। अब इसमें एक चम्मच अरारोट लेंगे, एक कटोरी जो येलो कलर की रखी है, इसमें बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, वो जो फीलिंग है दो के अंदर भरने वाली उसमें मैं लगाऊंगी इसको। देखो ये बड़ा चिपक रहा था, ये बहुत इससे अच्छा है, आसानी मिली मुझे। मैदा हो तो मैदा भी, मैदा से भी आप कर सकते हो, मेरे पास अरारोट है, मैदा भी था और मैंने अरारोट ज़्यादा लिया। छोटे 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 पेड़े बनाएंगे, जो एक इससे बड़े जो पेड़े बनाए जाएंगे सूजी के उसके अंदर ही आ जाए, आप देखिए आपको पता चलेगी। अभी चलिए कंप्लीट हो गया आपके ऊपर है, मैं तो लगभग इतनी ही बनाऊंगी बड़ी, इसलिए मैंने इतनी ही बनाए। ढीला है ये, देखिए एक बॉल में इसके अंदर डाल दे रही हूँ ऐसे करके, उसको पुश करना है अंदर, बस ये हो गया। ये चिपके तो थोड़ा अरारोट लगा लो, ये मैं पहले खा चुकी हूँ उन्हें, ठीक है, क्योंकि भूख लग रही थी। एक लाला ले गई, एक मैंने ले ली, ये दूसरा बैच मैंने आपको दिखाया, सॉरी, काफी करारी बनी थी, मुझे कल फिर बनानी है। हमारे घर तो बड़े पसंद करते हैं, बड़ैया इन्हें बहुत पसंद है। देखो मैंने खा भी ली कटोरी, ऑलरेडी खाली भी खपाई है इसमें, मैंने खा ली दो बड़ाई, एक मेरे बेबी ने खाई, एक रखी हुई है, और ये जो मैंने तीसरा बैच सेका था उसकी आपको बड़ाइयाँ दिखा रही हूँ, ये रखी है एक, ये आपको मैं तीसरा बैच सेक के दिखाऊंगी, सॉरी मेरे बेबी की वजह से मैं नहीं दिखा पाई वो बैच, मेरी भी गलती थी, सॉरी। ये गया इसमें, बहुत इजी है ये, अभी भी लगा हुआ है, देखो कभी ले रहा है कभी नहीं। सोने का टाइम हो गया है, मैं एडिट कर रही हूँ, बॉयज एडिट। मम्मी हाँ बेटू, या दादा चम्मच, या लो चम्मच, और ज़्यादा पतली भी ना रखें ना ज़्यादा मोटी, एक सी रखें, और तेज आंच पर फ्लेम पर आप डालोगे और फिर लो कर दीजिए, धीमे धीमे फिर सिकेगी। अभी मैंने तेज मेरी, अभी थोड़ी देर में मैं इसको लो कर दूँगी, इससे ये जले ना अपने होते रहे। देखो मेरी लो भी हो गई और ये हो भी गई, देखिए आप भी अपने घर बनाइए। नमस्ते, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।